हाय। तो भाई आज हम आए हैं न्यूजीलैंड पार्क में। तो आज हम इस पार्क की खूबसूरती कुछ पिक्चरों के ज़रिए दिखा रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं, मतलब इतना खूबसूरत पार्क है ना कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। तो मैं अपनी कुछ जो मैंने कुछ अच्छी पिक्चर ली है उनके ज़रिए दिखा रही हूँ। एक तरफ पार्क है और उस पार्क के दूसरी तरफ समुद्र है। तो जब आप पार्क देखोगे तो साथ में समुद्र का नज़ारा, पार्क का, और आप पूरी तस्वीरों को देखोगे कि कहीं इनके पेड़ों के पत्ते भी नहीं गिरे हुए, मतलब इतनी सफाई जंगल है एक तरफ पूरा। लोग इस जंगल में घूमने आते हैं कि इस तरफ समुद्र है। मतलब आप चाहे वॉक समुद्र में करो चाहे पार्क में करो, मतलब आपकी मर्जी होती है। पर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। इतना साफ, इतना सुथरा, मतलब घास भी इनकी काटी हुई, जंगलों की घास भी कटी हुई मिलेगी साफ सुथरी। ये देखो, तो मैं तो यहाँ की खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। मतलब जब आप आँखों से देखते हो ना तो भाई देखने लायक होती है खूबसूरती। तो मन तो करता है कि बस आराम से बैठे रहे और दूर तक देखते रहे। दूर तक जहाँ तक देखोगे नीला आसमान। बाकी यहाँ से लोग सनसाइड देखने आते हैं, तो मैंने भी कुछ अच्छी पिक्चर ली है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। आज हम भी सनसाइड देखने आए थे यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा। कुछ तस्वीरों के ज़रिए मैंने आपको भी दिखाया है, देख सकते हैं आप। हाँ, कुछ वीडियो भी दी है मैंने आपको, तो आप उसमें देख सकते हैं। एक तरफ इनका जंगल है पार्क के, एक तरफ है समुंदर। तो यहाँ लोग जंगल में भी आते हैं, जो पीछे पेड़ों के आप देख रहे हो जंगल है। अगर आप जंगल में घुस गए तो 4 से 5 घंटे का ट्रैक है पूरा। आपको दिखाया जाएगा, दिशा निर्देश लिखे हुए हैं हर जगह पे कि आप यहाँ से राइट ले सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुम हो जाओगे। इस जंगल के अंदर कीवी बर्ड्स भी हैं, मैं तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चल नहीं सकती। तो मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ, पर आप देख सकते हो कि कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ गंदगी पड़ी हो। भीड़ तो ज़्यादा नहीं होती, लोग हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सब।